फाइव पॉजिटिव मिलेट के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है और ये न्यूट्रिशन वैल्यू से आप अपने पेशाब में प्रोटीन आने की समस्या पे रोक लगा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि पेशाब से प्रोटीन आने की वजह से जो किडनी पेशेंट होता है उसकी बॉडी में लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है। प्रोटीन ज़्यादा जाने की वजह से उसकी मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लग जाती हैं, उसके शरीर के अंदर आयरन की डिफिशियंसी होने लग जाती है, साथ में उसकी हड्डियाँ भी कमज़ोर होने लग जाती हैं और उसको बहुत सारे जो न्यूट्रिशन की कमी वाले रोग होते हैं वो होने लग जाते हैं। लेकिन जो ये पांच पॉजिटिव मिलेट हैं, इसके अंदर न्यूट्रिशन का भंडार है, इसके अंदर हर तरीके का न्यूट्रिशन पाया जाता है। चलिए जानते हैं एक एक करके कि क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी आपको इन फाइव पॉजिटिव मिलेट से। पहले नंबर पे आता है कूडो मिलेट, दूसरा फॉक्सटेल मिलेट, तीसरा ब्राउन टॉप मिलेट, चौथा लिटिल मिलेट और जो पांचवा हमारा रहेगा वो रहेगा बैनयार्ड मिलेट। फैट मिलेगा वो 4.3 ग्राम मिलेगा, मिनरल मिलेगा वो 3 ग्राम मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा 12.3 ग्राम, कैल्शियम मिलेगा 31 मिलीग्राम, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा 60.9 ग्राम, फॉस्फोरस मिलेगा 290 मिलीग्राम, डाइट्री फाइबर मिलेगा 14 ग्राम, पोटेशियम मिलेगा 108 मिलीग्राम। तो आपने देखा कि इसके अंदर कितनी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू है फाइव पॉजिटिव मिलेट के अंदर। सबसे ज़्यादा इसके अंदर फैट पाया जा रहा है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है, प्रोटीन पाया जा रहा है और आपका कैल्शियम, फास्फोरस, जितने भी प्रकार के पोषक तत्व हैं वो पाए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात ये किसको लेना है, देखिए जिसकी किडनी ना अभी बिल्कुल खराब हो गई है उसको ये नहीं लेना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये सुपर फूड है जिसको आपकी बॉडी नहीं एक्सेप्ट कर पाएगी। जिसके सिर्फ पेशाब से प्रोटीन आ रहा है और उसकी किडनी काम कर रही है, उसका GFR लेवल भी अभी ठीक है और उसको ज़्यादा समस्याएं नहीं है कि उसको डायलिसिस पर जाना पड़े या आयुर्वेदिक दवाइयाँ खानी पड़े या उसको किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़े, ऐसा व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है। और अगर आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, MPGN है या किडनी का कोई और आपको संक्रामक रोग है जिसमें आपकी किडनी में इंफ्लामेशन चल रहा है तो इसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या करें कि 50 ग्राम जो पॉजिटिव मिलेट है इन पांचों को मिला करके इसका दलिया बना करके आप खाएं। इसका दलिया खाने से आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू जाएगी और ये न्यूट्रिशन वैल्यू जाने की वजह से आपके पेशाब से निकलने वाला जो प्रोटीन है, जो किडनी पेशेंट को एल्बुमिन डिफिशियंसी हो जाती है उसमें भी रोक लगेगी, जिससे आपकी किडनी को स्ट्रेंथ मिलेगी, पावर मिलेगी और आपके ब्लड में भी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ी रहेगी और इससे आपकी किडनी को अपनी बीमारी को ठीक करने में सहायता मिलेगी।